हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद शबनम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे सर में जो जुएं पड़ जाती हैं, जुएं, लीखे और धके, जो है, आप चाहे जितना कंघी से कर लें, वो जुएं निकलती नहीं, ना लीखे निकलती हैं और ना ही धके निकलती हैं। इसको निकालने के लिए हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम काफूर लगा लेते हैं और एलोवेरा लगाते हैं, बहुत सी हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल शैम्पू लगाते हैं, मगर उससे हमारी जुएं निकलती नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम ये एक लेते हैं कंघी, जो महीन दाने की आपको दिख रही है, ये एकदम महीन दाने की कंघी है। इससे हम अभी आपको इस पर तागा बनाना आपको बताते हैं कि जिससे हमारी जुएं और लीखे आसानी से निकल जाती हैं। और हमारे सर पर अगर आप उसको हफ्ते में 4 से 5 बार करेंगे तो हमारी जुएं और लीखे और धके सब उससे आसानी से निकल जाएंगी और हमारे सर पर जुएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। और आप जो है, हम लोग इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मगर हमारी जुएं बिल्कुल नहीं ख़त्म होती हैं। तो आज हम आपको इस पर तागा बनाना इस बताते हैं ताकि इससे आपकी जुएं, धके, लीखे एकदम साफ़ हो जाएं। तो इसके लिए हमने ये तागा लिया है, आप कोई भी नलकी का तागा ले लीजिए, वाइट हमने नलकी ली है, इससे हमने ये तागा तोड़ लिया है। तागे को आप बराबर कर लीजिए दोनों तरफ से और बराबर करके हमको इस कोने से हमको ये तागे को फंसाना है इसमें। ये देखिए, ये हमने इसमें तागा अच्छे से फंसा लिया है और एक बार हम इस पर और इसी तरह बल दे देंगे ताकि ये तागा यहाँ से मजबूत हो जाए। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 3-3 दाने लेकर इसमें जो है 3-3 दाने लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर जो है लीखे हमारी निकलेंगी नहीं। तो हमने देखिए इसमें 3 दाने ले लिए हैं और फिर पलट के हम फिर इसमें 3 दाने लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हमें 3-3 दाने लेकर अपनी कंघी पर इसी तरह से, ये देखिए, इस तरह हम अपनी कंघी पर 3-3 दाने लेते हैं। ये देखिए, आप इसी तरह 3-3 दाने ले लीजिए गिन गिन के, क्योंकि हमें बराबर से चाहिए हैं। तो आप इसी तरह 3-3 दाने गिनिए और उसमें तागे को, ये देखिए, इस तरह हम इसमें तागे को फंसाते रहेंगे 3-3 दाने लेकर, और इससे हमारी लीखे एकदम साफ हो जाती हैं। लीखे, धके जो होती हैं, जुएं जो यूं नहीं निकलती हैं, कंघी जो हमारे पास होती है उससे नहीं निकलती हैं। तो इसलिए आप इस तागे को इसमें कंघी पर इस तरह लपेटिएगा, इससे बहुत आसानी से धके, लीखे, जुएं सब निकल जाती हैं। इस तरह हमको इस पर पूरी कंघी हम इस पर लपेट लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने ये इधर से पूरी तीली पर या जो है कंघी पर इस तरह से हमने तागे को लपेट लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से, जिस तरह से हम जिस कोने से हमने बांधा है उसके दूसरी तरफ से हम तागा लेंगे और इसको इस तरह लपेट लेंगे। ये देखिए, इस पर हम एक बार और इसी तरह और लपेटेंगे। ये देखिए, अब हमें जो हमने कंघी के दानों को एक तरफ से किया, जो हमारे कंघी के दाने छूट गए हैं उनको हमको इस तरफ से कवर करना है। ये देखिए, ये देखिए, हम इस तरह से अब इस दानों को दूसरी तरफ से कवर करेंगे तागे से। ये देखिए, इस तरह से हमें दूसरी तरफ से कवर कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसको दूसरी तरफ से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने इसको दूसरी तरफ से, आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से हमने इसको तागे को इस तरह बना दिया, बिन दिया है दोनों तरफ से, और इसको हमें हाथ से इसको किन साइड की तरफ दबा लेना है ताकि ये कंघी करते टाइम तागा हमारा खुले नहीं। ये देखिए, ये हमारी कंघी एकदम अच्छे से बन गई तागे से। अब हम इसको यहाँ पर एक तरफ, इसको जहाँ से हमने पहले जिस
बांधा था, ये देखिए हमने इसमें एक बार राउंड किया है। अब हम इसको यूँ करेंगे, यूँ लिया यूँ करके हम इस पर, ये देखिए इसमें हम इसको बांध देंगे ताकि ये कंघी करते टाइम खुले नहीं। और एक बार हम इसी तरह ये तागे को हम यूँ लेंगे और इसको हम घुमा लेंगे, घुमा के हम फिर से एक बार इसको इस पर टाइट कर देंगे। ये देखिए देखिए हमने अपनी कंघी को एकदम अच्छे से बना लिया है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने इस तरह तागे से अपनी कंघी के दानों को अच्छे से गूंद लिया है। अब हम आपको कंघी करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हम आपको इस कंघी से करके आपको दिखाते हैं कि इसमें जुएं और ढक्के लीखें किस तरह से निकलती हैं। देखिए देखिए फ्रेंड, इसमें लीखें आप देखिए आ गई हैं बारीक बारीक सी। अब हम आपको और दिखा रहे हैं, आप इस तरह करें और करके ये देखिए, देखिए कितनी इसमें लीखें आई हैं, आप करीब से देखिए। ये देखिए ये तरीका बहुत अच्छे से काम करता है, ये देखिए इसमें कितनी लीखें आपको दिख रही होंगी। देखिए फ्रेंड, देखिए लीखें इसमें कितनी आपको दिख रही हैं, ये बहुत अच्छे से ये तरीका काम करता है। आप इसी तरह अपने बालों पर कंघी करें और करके आप इसी तरह अपने बालों पर कंघी करें, इससे आपकी सारी जुएं ढकें और लीखें एकदम साफ़ हो जाएंगी। और इससे आप उसके बाद आप कंघी करके अपने सर पे ऑयल लगाएं, उसके बाद कंघी करें और रात भर के लिए रहन दें। उसके बाद सुबह आप कोई से भी शैम्पू से आप अपना सर धोएं, उसके बाद जो है आप खुद देखेंगे कि आपके सर पे कितनी जुएं लीखें ढकें कम हो गई हैं। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेमेडी कैसी लगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एक बार ज़रूर कीजिएगा और करके आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।